प्रभु का प्रतिरूप विनिधता नाम स्मरण। न तस्य प्रतिमायस्ति यस्य नामः महाद्यसः। तस्य उस प्रभु की प्रतिमा मूर्ति नाम सादृश्य तुल्यता न अस्ति नहीं है। प्रभु वे हैं यस्य जिनका नाम स्मरण व जिनके प्रति नमन जीव के लिए महाद्यसः महान यश का कारण है। नमन से जीव का जीवन यशस्वी बनता है। नाम स्मरण से वैसा बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। एक लक्ष्य दृष्टि उत्पन्न होती है जो हमें अत्यधिक उत्थान पर पहुंचाती है। सच्चा नाम स्मरण तो है ही तदनुरूप बनना। भावार्थ, ईश्वर की मूर्ति नहीं है। हम निराकार प्रभु का स्मरण करें जिससे हमारा जीवन बड़ा यशस्वी हो। ऋषि स्वयंभू ब्रह्मा देवता आत्मा छंद भरकृत्री स्तुप स्वर्धैवत सर्वतो मुख देव। ओ ईशो हदेव प्रदिशो यनु सर्वाह पुरोह जातः सयौ गर्भे आयन्तः स य एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंगं जनास्तिष्ठति सर्वतो मुख। एक ईशः ए प्रभु ह निश्चय से देव देव हैं। देव के अर्थ यास्कानुसार निम्न है। क देव दानात वे प्रभु देने वाले हैं। प्रभु ने जीव के हित के लिए उसे क्या नहीं दिया। वे सब शक्तियों के देने वाले हैं। ख देव दीपनाथ वे प्रभु देदीप्यमान हैं। उस सर्वतो देदीप्यमान देवों की दीप्ति की कल्पना आकाश में चमकते हुए सहस्त्रों सूर्यों की चमक से ही हो सकती है। ग देव द्योतनाथ वे प्रभु सारे पिंडों को द्योतित कर रहे हैं। प्रभु की दीप्ति से ही ये सारे सूर्य चंद्र व तारे दीप्ति हो रहे हैं। दो ये प्रभु सर्वाह प्रदिशः इन सब विस्तृत दिशाओं में अनु व्याप्त तिष्ठति व्याप्त होकर रह रहे हैं। कौन सा स्थल है जहाँ प्रभु नहीं है। कण कण में उस प्रभु की व्याप्ति है। तीन प्रभु पूर्व ह जातः वे प्रभु निश्चय ही पहले से ही है। हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे हिरण्यगर्भ प्रभु की सृष्टि से पूर्व से विद्यमान है। उनका कोई आदि नहीं है। अनादि होते हुए वे सभी के आदि हैं। ये स्वयं तो स्वयं भू खुदा हैं। स उ गर्भे अंत वे प्रभु ही सब पदार्थों के गर्भ में हैं। सबके अंदर स्थित हुए वे सबका नियमन कर रहे हैं। पांचवा स ये हो जाता वे प्रभु अनादिकाल से इन सृष्टियों को जन्म दे रहे हैं।